टॉस जीता केपी ने, उन्होंने पहले बैटिंग करने का यह फैसला किया आइडियल बैटिंग कंडीशंस में। ये देखिए चोट आई थी कप्तान फहीम अशरफ को, उसके बाद हमने बड़े शॉट्स देखे, बैकफुट से भी खेलते हुए दोनों खिलाड़ी नजर आए और बिप किया था, फिर बोल्ड हो गए। लेकिन रन बनाने का जो सिलसिला है वो रुका नहीं, दूसरी विकेट की जो पार्टनरशिप थी वो पनपती हुई नजर आ रही थी। कामरान गुलाम अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, उनको कैच गिराया विकेट कीपर ने बहा व्यास की गेंद पर, जिसका फायदा उठाने की कोशिश की कामरान गुलाम ने। ये साहबजादा फरहान आउट हुए बाउंड्री लाइन पर, रन्स और रन्स बनने का विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। एक मौके पर लगता था कि 180 185 रन आसानी के साथ बन जाएंगे जब कामरान और आदिल अमीन खेल रहे थे। ये पार्टनरशिप जो है वो खतरा बनती जा रही थी इस अहमद शहजाद के कैच से पहले, विकेट कीपर ने अच्छा कम बैक किया और उन्होंने कैच किया। बाद में आमिर आए, उन्होंने भी चंद बड़े जोरदार स्ट्रोक्स खेले और आखिर में सरवर आफरीदी जो हैं उन्होंने एक एंड पर बड़ी जारहाना बैटिंग करके सेंट्रल पंजाब की टीम को पूरी तरह हावी होने का मौका नहीं दिया। खालिद उस्मान ने भी अच्छा साथ दिया, अच्छे स्कोर कार्ड उन्होंने लगाए और फिर LBW आउट दिए गए। इनिंग्स के आखिरी ओवर में आले हैदर अंपायर ने उनके खिलाफ फैसला दिया जो बिल्कुल सही था, और ये आखिरी एक्शन था, आखिरी गेंद थी इनिंग्स की जिस पर 4 रन सर्वर ने हासिल किए।